Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जी हाँ, जल्दी ही हमारा वेब लॉन्च होने वाला है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको खुद को एनरोल कराना होगा और वहां पे जो भी आपको लाइक कोर्सेज करनी है, आप वहां से बहुत ही आसान तरीके से चीजों को कर पाएंगे। वहां मैं लाइव क्लासेस भी आपको कराऊंगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में अभी ऐप शो नहीं करता है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट जल्द ही डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के या फिर और भी जितने सारे वीडियोस हैं सबके डिस्क्रिप्शन में आपको वो एप्स का लिंक जो है शो करने लगेगा। आप बहुत ही सिंपल तरीके से कॉमर्स की पाठशाला के ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड करके अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिप ओनर्स लियन एंड मैरिटाइम्स लियन। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर, तो आईबीओ 5 से रिलेटेड है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। नोट्स, सॉल्व असाइनमेंट्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 8101065300। आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द शिप ओनर्स लियन एंड मैरिटाइम लियन। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर है शिप ओनर्स लियन एंड मैरिटाइम लियन। अ शिपर्स लियन रेफर्स टू द राइट्स ऑफ द शिप ओनर्स टू रिटेन द गुड्स कैरिड ऑन बोर्ड अंटिल द फ्रेट। फ्रेट मतलब हो गया वो चार्जेस, खर्चे, ड्यू टू देम अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज हैव बीन ड्यूली पेड। देखो, शिप ओनर्स लियन का मतलब क्या हो गया? एक शिप ओनर्स लियन का मतलब हो गया कि शिप ओनर के पास एक राइट होता है, उसके पास एक अधिकार होता है कि जो गुड्स उसके पास हैं, जो गुड्स उसने बोर्ड कराई है, जहाज पे रखवाई हैं, जब तक कि उसको उस चीज का भाड़ा नहीं मिल जाता, फ्रेट नहीं मिल जाता जो कि ड्यू है उसको देना अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तब तक वो उसको अपने पास रख सकता है। उस राइट, उस गुड्स को वो अपने पास रख सकता है, वो उस जरूरी नहीं है कि वो उसको छोड़ देगा, ठीक है ना। तो वो अपने पास रख सकता है। अब मैरीटाइम लियन की बात करें तो मैरीटाइम लियन इज ऑन शिप कार्गो एंड फ्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनीवन टू सेव द शिप कार्गो इन टाइम ऑफ डेंजर। तो मैरीटाइम लियन का मतलब हो गया कि शिप कार्गो और फ्रेट के केस में, लाइक जब भी शिप को किसी तरह का नुकसान होने वाला होता है, कोई डेंजर में होता है, तो शिप को बचाने के लिए जो खर्च आपको पे करना पड़ता है, जो एक तरीके से उसका ख्याल रखने के लिए जिनको आप अपॉइंट करते हो, उसको आप फ्रेट वगैरह देते हो, चार्जेस वगैरह देते हो, तो वो आपका मैरीटाइम लियन कहलाता है। तो शिप ओनर्स लियन और मैरीटाइम लियन में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों क्या है। शिप ओनर्स लियन मतलब सिंपली एक उसके पास एक राइट है कि वो सामान को तब तक नहीं छोड़ेगा अपने पास से जब तक कि उसको उसके चार्जेस मिल नहीं जाते हैं, फ्रेट्स वगैरह मिल नहीं जाते हैं। मैरीटाइम लियन में ये चार्जेस जो है आप तब पे करोगे जब कोई आपके शिप को सेव करता है किसी टाइम, डेंजर टाइम पे, ठीक है। Whereas ship owners lien is essentially a possession lien, the maritime liaison as executionary claim. तो ये अगर आप इसको समझो, अगर डिफरेंस वाइज समझो, तो जैसे शिप ओनर के बारे में बोला रहा है कि शिप ओनर्स लियन जो होता है वो एक तरीके से पोजेशन लियन होता है कि चूंकि उसके पास वो चीज रखी हुई होती है, वो उस चीज का ख्याल रखता है, तो उसके लिए वो फ्रेट लेता है, खर्चे लेता है। लेकिन मैरीटाइम लियन की अगर बात करें तो वो एग्जीक्यूशनरी क्लेम होता है एक तरह से, जब तक कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप क्लेम नहीं कर सकते, है ना। तो मैरीटाइम लियन एक तरीके से आफ्टर जो चीजें होती हैं उसको लेकर के एक तरीके से तैयार किया गया है, और शिप ओनर्स लियन एक तरीके से पोजेशन लियन की तरह होता है। द चार्जेस पेड ओवर एंड अबव द सेट फ्रेट आर कॉल्ड प्राइमेज, ठीक है ना। तो जो चार्जेस अब सेट फ्रेट मतलब एक प्राइस सेट कर दिया गया है, फ्रेट सेट कर दिया गया है कितना लगेगा, उससे ज्यादा अगर कोई भी चार्जेस पे किया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमेज, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, टिप्स टू द कस्टम्स, आपने कस्टम्स को कोई टिप्स दिया, ठीक है, पैसे आपने एक्स्ट्रा दिए इन शिप ओनर्स लियन, शिप ओनर्स के लियन के नाम पे, तो वो आपका प्राइमेज कहलाएगा। द मैरिटाइम लियन चार्जेस आर रिकवर्ड फ्रॉम शिप ओनर्स और कार्गो ओनर एंड अनलेस पेड द शिप इज नॉट अलाउड टू लीव द पोर्ट। मैरिटाइम चार्जेस जो होता है, मैरिटाइम लियन जो होता है, इसके अंदर जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो शिप ओनर से रिकवर किए जाते हैं, शिप का जो मालिक होता है उससे लिया जाता है या जो कार्गो का मालिक होता है उससे लिया जाता है, और जब तक उसका पेमेंट क्लियर नहीं होता आपको पोर्ट या बंदरगाह जो भी है उसको छोड़ने की अनुमति आपके पास नहीं होती है। द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर टू सेल द कार्गो टू रिकवर दीज चार्जेस। समटाइम्स कोर्ट भी इसमें कूदती है और कोर्ट भी कहती है कि जब तक कि आपका पैसा निकल ना जाए तब तक आप कार्गो के मटेरियल्स को बेच सकते हो, तो आप कार्गो के मटेरियल्स को सेल करके भी अपने सारे चार्जेस को आप रिकवर करने का हक जो है उनके पास होता है। द मैरीटाइम लियन कैन ऑल्सो बी फाइल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ कार्गो शिप इन कोर्ट, ठीक है। तो मैरीटाइम लियन जो होता है वो जो इंडिपेंडेंट कार्गो शिप्स होते हैं उनके ऊपर भी एक तरीके से फाइल किया जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। मैरीटाइम लियन इज अवेलेबल टू होल्डर ऑफ वाटरमरी बॉन्ड, सीमेन फॉर वेजेस, पर्सन क्लेमिंग अगेंस्ट शिप फॉर डैमेजेस ड्यू टू कोलाइजन एक्सेट्रा।
where the ship owner's lien is entrusted with carrier. तो पहला लाइन में बताया गया कि maritime lien like किस किस सिचुएशन में काम आता है, किस किस जगह पे उसका इस्तेमाल हो सकता है. जैसे कि देखो बॉटम मरीन बॉन्ड की बात की जा रही है, सीमैन फॉर वेजेस जो उनका खर्च होता है उसको चलाने के लिए मैरीटाइम लियन का इस्तेमाल होता है. पर्संस क्लेमिंग अगेंस्ट शिप फॉर डैमेजेस, किसी भी तरह का डैमेज हुआ कोलाइजन के कारण, तो उस टाइम पे जो है मैरीटाइम का यूज होगा, मैरीटाइम लियन का यूज होगा. वेयर एज अगर हम शिप ओनर्स की बात करें तो वो सिर्फ कैरियर से रिलेटेड होता है, मतलब वो जो अपने पास रख रहा होता है सामान सिर्फ उस चीज से रिलेटेड होता है. तो लेक्चर छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट था. एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिप ओनर्स लियन और मैरीटाइम लियंस में डिफरेंस बताओ, या दोनों क्या होता है इसके बारे में बताओ. तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जल्दी से जाकर के हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से आप अपनी स्टडी बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे. और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट. नोट्स के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, फोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, और साथ ही साथ आपको फोन नंबर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू.